देखिए कांग्रेस ने देश के किसानों को सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखा, उनकी उन्नति कभी नहीं चाहा, उनका प्रगति कभी कांग्रेस ने नहीं चाहा। आज भी देश के जो बहुसंख्यक किसान है वो बैलगाड़ी पर है, लेकिन कांग्रेस झारखंड में ट्रैक्टर रैली निकाल रही है। लेकिन हमारा तो मूल प्रश्न वही है कि ट्रैक्टर रैली सिर्फ कांग्रेस के नेताओं के लिए फोटो अपॉर्चुनिटी होता है, और जो असली किसान होते हैं इस रैली से गायब दिखते हैं। और दूसरा, कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह भी इस मौके पर पहुंच रहे हैं, तो हम तो उनसे जानना चाहेंगे कि इस बार उन्होंने कितना कलेक्शन का टारगेट रखा है झारखंड के मंत्रियों से, क्योंकि पिछली बार फुरकान अंसारी साहब ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह कलेक्शन करने के लिए झारखंड आते हैं और ये पैसा आला कमान को जाता है। तो ये स्पष्ट करना चाहिए आरपीएन सिंह को कि किसान रैली या ट्रैक्टर रैली के बहाने वो कितना पैसा झारखंड से इस बार कलेक्शन करके ले जाएंगे। भाजपा के प्रवक्ता जो है वो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। आज उन समझना चाहिए कि देश के 62 करोड़ किसानों की बात है, किसी प्रधान देश में हम रहते हैं, और हमारे देश भर के सभी किसान, ये कोई एक दो राज्यों की आंदोलन नहीं है। आज देश भर के सभी किसान केंद्र सरकार के द्वारा पारित कृषि कानून के खिलाफ सबको पर उतर चुके हैं। हजारी बात के आज हम लोग गांधी मैदान से केंद्र की सरकार को स्पष्ट संदेश देने जा रहे हैं, जिससे हम लोग ये मांग करेंगे केंद्र की सरकार से कि किसानों के पक्ष में किसानों के हितों को देखते हुए जो है ये कानून वापस ले केंद्र की सरकार। आज 200 से ज़्यादा किसानों ने शहादत दिए हैं, इसकी इनकी शहादत के लिए जिम्मेवार कौन है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो मुख्य मुद्दे हैं, जो किसानों के मुद्दे हैं, जो देश का मुद्दा है, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का आरोप कांग्रेस के प्रभारी पर लगा रहे हैं, जो बिल्कुल निराधार है, बकवास है। मैं तो कहता हूं इस तरह के आरोपों की जांच होनी चाहिए। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह, मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।